बलिवेदी में दर्शन पाने प्रभु पाला है तूने हमें अपने हाथों में। आए हम बलिवेदी में दर्शन पाने प्रभु पाला है तूने हमें अपने हाथों में। जीवन हमारा लाए हम शरण है प्रेम का बलिदान। जीवन हमारा लाए हम शरण है प्रेम का बलिदान। प्यासा है हमें करना तेरी कृपा बना दे जिंदगी अपनी बलि अपनी बलिवेदी। आ गए महफिल में हम शामिल होने बरसा दे कृपादा हम निरालंबों पर। आ गए महफिल में हम शामिल होने बरसा दे कृपादा हम निरालंबों पर। लौटेंगे हम अपने घरों में एक बलि बनने। जाएंगे इस दुनिया में प्यार बनके हम। लौटेंगे हम अपने घरों में एक बलि बनने। दुनिया में प्यार बन के हम कर्ण तेरी कृपा बना दे जिंदगी अपनी बलि मेरी। प्यासा है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, स्तोत्रकार कहता है अध्याय 146 वाक्य 2 में, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हम भी आज इस दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए, सभी कृपा दानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, ईश्वर को धन्यवाद दें। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 23 में, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आज माता कलिसिया यीशु के स्वर्ग आरोहण पर्व मनाती है और इस समारोह के तीनों ही पाठों के द्वारा प्रभु हमें संदेश देते हैं कि ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनके सुसमाचार को पवित्र आत्मा की सहायता से संसार में आगे बढ़ाएं। यह दिव्य बलि भोज में हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करे ताकि हम अपने जीवन से
यीशु का मुक्तिदायी जीवन और स्वर्गरोहण का साक्षी बन सके। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले अपने आलस्यपन, भय, सांसारिक मोह जैसी कमजोरियों के लिए जो हमें अपने ईमानदारी के जीवन जीने में बाधा बनती है, उन सबों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। अपने आप को ख्रिस्तियाग के योग्य बनाने के लिए आइए हम पश्चाताप करें और इस समय पश्चातापी हृदय से प्रभु को अपनी कमजोरियों को सौंपते हुए आइए हम दया याचना का गीत गाएं। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। तू महान शक्तिमान, गाते हम सब महिमा तेरी। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वतीश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे। तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। ख्रीस्त हमारे शीर्ष हैं और हम उनके शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आस लगाए हैं। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आत्मा आपके जीवारों को शुद्ध करे, आपके हृदय को पवित्र करे, ताकि प्रभु के वचन को योग्य रीति से घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु का स्वर्गारोहण। पहला पाठ, प्रेरित चरित, अध्याय एक, पद संख्या 1 से लेकर 11 तक। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इसराइल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय को और जिन तिथियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आँखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्ज्वल वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं?
वही यीशु जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए। बाइबल वचन सत्य वचन पवित्र वचन दिव्य वचन, बाइबल वचन सत्य वचन पवित्र वचन दिव्य वचन। प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए। हो जाओ करे, तेरा वचन प्रभु मुझको पुकारे, प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे राह दिखाए, प्रभु तेरा वचन मुझे रोशनी दिखाए। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय एक वचन संख्या 17-23 तक। भाइयों, महिमामय पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें जिससे आप उसे सचमुच जान सकें। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करें जिससे आप लोग यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत में मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय होने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया है जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दहने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन दाता वचन सुनाए
लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सन मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 वचन संख्याएं 15-20 तक। यीशु ग्यारहों को दर्शन देकर कहने लगे, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम ईसा का स्वर्ग आरोहण त्योहार मना रहे हैं। पहला पाठ जो प्रेरित चरित अध्याय 1:1-11 तक लिया गया है, वाक्य 9 में हमने सुना, ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए। इसके पहले ईसा जाते जाते वाक्य 8 में कहते हैं, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के कोने कोने में अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। यानी कि जो तुमने सुना है, देखा है, जो तुमने विश्वास किया है उसका साक्ष्य बनो। उनके पुनरागमन तक सक्रिय रूप से अपने जीवन आचरण द्वारा साक्ष्य बनने के लिए ईसा आज प्रेरितों को कहते हैं, साथ ही साथ हम सबों को यही संदेश देते हैं। और हमें किस बात की साक्ष्य देना है? यही कि ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3:16 में हम पाते हैं। हमें इस बात की साक्ष्य देना है कि यीशु जो ईश्वर होते हुए भी इस संसार में आए, दुख भोगे और पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, जो उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। इस बात के हमें साक्ष्य देना है, क्योंकि यीशु स्वयं कहते हैं संत योहन का सुसमाचार अध्याय 11:25 में, प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। इसी बात का आज हमें साक्षी देना है, हमें साक्ष्य बनना है, क्योंकि हमारा निवास
इस संसार का नहीं है, हमारा निवास इस संसार का नहीं है। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियन के नाम अपने दूसरे पत्र अध्याय 5:1 में कहते हैं, हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। हमारा निवास स्थान वह स्वर्ग है। इसी सुसमाचार की घोषणा के लिए यीशु अपने शिष्यों को आज के सुसमाचार पाठ में उन्हें भेजते हुए अपने शिष्यों को भेजते हुए हम सुनने को पाते हैं। ईसा ने उनसे कहा, अपने शिष्यों से कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु का जो सुसमाचार है उसको जो विश्वास करेगा उसे मुक्ति मिलेगी और जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इस वचन के माध्यम से प्रभु आज हम सभी से कह रहे हैं, आपसे मुझसे कह रहे हैं, जाओ सुसमाचार सुनाओ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार की घोषणा करो। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा को सुनने की आवश्यकता है। जब हम पवित्र आत्मा को सुनते हैं, उनके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तभी हम अपने जीवन आचरण द्वारा ईश्वरीय राज्य का साक्ष्य बन सकते हैं। और जब हम ईश्वरीय राज्य की साक्षी देते हैं अपने जीवन आचरण के द्वारा, इस राह में कदम कदम हमारे लिए कांटे हैं, तकलीफें हैं, कष्ट उठाने पड़ेंगे, दुख झेलने पड़ेंगे। दुख कष्ट हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग बन जाते हैं, वह हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। जिस तरह ईसा यीशु ख्रिस्त स्वयं पिता के आज्ञाओं का पालन किए, इस जीवन में, इस संसार में, अपने जीवन में उसको निभाए, इसलिए उन्हें दुख उठाना पड़ा, उन्हें मृत्यु सहना पड़ा। इसलिए जब हम उनके राह में चलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा परिचालित, नियंत्रित किए जाते हैं और अपना जीवन आचरण करते हैं, हमें भी दुख उठाना है। और यही है प्रभु का सुसमाचार। अपने जीवन के माध्यम से, जीवन आचरण के द्वारा प्रभु का संदेश को कि प्रभु अब भी जीवित हैं, वह जीवित परम पवित्र ईश्वर हैं, वह संदेश को सुनाने में हमें दुख उठाने पड़ेंगे, ये एक सच्चाई है। लेकिन क्या हम दुख के द्वारा, तकलीफ के चलते हम अपने लक्ष्य भूल जाएं? नहीं, हम अपने लक्ष्य से, यानी कि ख्रिस्त का सुसमाचार सुनाने का लक्ष्य से हम ना भटक जाएं। हम उस अनंत जीवन में ध्यान टिकाए रखें, तब हम संत पौलुस की भांति हम भी कह सकेंगे, जहां संत पौलुस कहते हैं रोमी अध्याय 8:18 में, संत पौलुस कहते हैं, मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। जब हम अपने पूरे तन मन ध्यान से प्रभु के कार्य में लगे रहते हैं, तब इस संसार की दुख हमें नगण्य लगेगा, क्योंकि प्रभु के कार्य करने में जो हमें महिमा प्रकट होने वाला है, उस महिमा के तुलना में इस संसार का दुख छोटा ही है।
ईसा स्वयं हमें आश्वासन देते हुए कहते हैं संत योहान के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 33 में, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजयी पाई है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें, विशेष रूप से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें, ताकि यीशु के सुसमाचार का प्रचार में और जीवन आचरण द्वारा उनका साक्ष्य बनने में हमें मदद मिल सके। संसार की मूल्य हमें भ्रमित ना करें, जिससे हम सुसमाचार का एक एक वाहक, एक एक प्रचारक बन सके। आइए हम इस भांति आज के दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें अपने सामर्थ्य द्वारा अपने सुसमाचार का प्रचारक बनाएं। आमीन। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोंका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरितिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपा पूर्वक स्वीकार किया। अब हम हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु में समर्पित करें और हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम अपने संत पापा फ्रांसिस एवं माता कलिशा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वे आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके, आपके वरदानों को एक दूसरे को दे सके और अंधकार में पड़े हुए लोगों के जीवन में प्रकाश ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हमारे देश में हो रहे चुनाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस चुनाव की प्रक्रिया में सभी लोगों को सही निर्णय लेने की कृपा प्रदान कर, कि किसी प्रकार का अनिष्ट ना हो। प्रभु हमारे देश में सदा आपकी शांति बनी रहे, हर एक मनुष्य को आपकी शांति प्राप्त हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी अविवाहित लोगों के लिए जो अभी तक विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं। प्रभु आप उन्हें एक अच्छे जीवन साथी प्रदान कर,
जिससे वे विवाह के बंधन में बंध कर एक विवाहित और पवित्र जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उन सभी बच्चों के लिए जो अपने बचपन में ही माता पिता से बिछड़ गए हैं और जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए हैं, आप उन्हें अपना सहारा दीजिए और उन्हें एक अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि वे बड़े होकर आध्यात्मिकता में बड़े हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी युवक युवतियों के लिए जो गलत मार्ग पे चले गए हैं, आप उन पे कृपा कर कि वे अपनी जीवन को सही मार्ग पे ले आए और आपकी महिमा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस क्षण हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को, पारिवारिक निवेदनों को मौन रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करें और मौन रूप से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू यह भलीभांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पवित्र स्वर्गारोहण के आदर में यह बलि विनय पूर्वक चढ़ा रहे हैं। इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा हम भी स्वर्गिक आनंद की ओर उन्मुख हो जाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए।
हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु परम पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सर्वदा और सदा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया और उनके देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, ताकि ये हमें अपने ईश्वरत्व का सहभागी बना सकें। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु येसु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों के क्षमा के लिए
बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर त्रिएक ईश्वर की स्तुति गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमेन, आमेन, आमेन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप में आए, किंतु ईश्वर कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन तक रक्षा करता रहे, आमीन। पल है प्रभु आगमन का, पल है प्रभु मिलन का, प्रेम और भक्ति ले आओ, प्रभु में लीन हो जाओ। प्रभु आगमन का, पल है प्रभु मिलन का, प्रेम और भक्ति में आओ, प्रभु में लीन हो जाओ। इस रोटी के कण कण में प्रभु का प्यार समाया है, रोटी के कण कण में प्रभु का प्यार समाया है। जीवन सद है ये रोटी, इसमें है दिल की चंगाई। जीवन औषध है ये रोटी, इसमें है दिल की चंगाई। पापों का मोचन इसमें है जीवन संधन। रोटी के कण कण में प्रभु का प्यार समाया है, इस रोटी के कण कण में। प्रभु का कहना है, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। अलिलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंती ईश्वर, तू हमें इस जीवन में स्वर्गिक वरदान देता रहता है। ख्रिस्तीय आशा हमें उस राज्य की ओर अग्रसर करे जहां हमारी प्रकृति तुझसे संयुक्त हो जाती है। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ख्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूंगा। कोई प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूंगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस
दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है भी, तुझको ही धन्य रहूंगा। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है, तुझको ही धन्य रहूंगा, तुझको ही